धन्यवाद परमेश्वर, आज इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। आज इस सुंदर से समय के लिए प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु कि उनके हर एक दुख को तकलीफ को आप देखते हैं परमेश्वर। जो इस वीडियो पर कमेंट करते हैं परमेश्वर, हम उन सब मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक एक मसीह भाई बहन के जीवन में एक एक कार्य होने पाए पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आज आपने हमें नया दिन दिया परमेश्वर, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक अनेक प्रकार की खुशियाँ आपने दी है। आज के दिन मेरे सारे कार्यों को पिता परमेश्वर आपके नाम से मैं सफल बनाता हूँ पिता परमेश्वर, सौंपता हूँ प्रभु। और खुदावन आपने मेरे परिवार को और अपने आप को पिता परमेश्वर मैं सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आप हमारे परिवार में शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और हमारे आस पड़ोस में भी आप परमेश्वर शांति देते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक तमाम प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की सोच, जो भी पिता परमेश्वर थॉट्स होते हैं परमेश्वर, जो किसी प्रकार के भी कोई कार्य के नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन थॉट्स आते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप देखते हैं प्रभु। उनके हर एक काम को पूरा करेंगे पिता परमेश्वर, उनके हर एक कार्य को पिता आप चा करने वाले हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, क्योंकि पिता आप एक एक मसीह के जीवन में कार्य करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के उन्हें छोड़ के चले जाएं, जो भी दुख हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के तमाम दुख भरे बीमार भरे अंगों को आप जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ और दुष्ट आत्मा और शत्रु जो भी है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हो जाए, ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर उनको आजाद करें। जो व्यक्ति मानसिक तनाव से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति इस समय है प्रेजेंट टाइम में प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी प्रार्थना को आप सुनते हैं पिता परमेश्वर। उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, जो विश्वास करते हैं, जो सुनते हैं प्रभु, और जो वीडियो पर कमेंट करके कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो परमेश्वर, हम उन सब मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके हर एक परिवार को आप देखिए, सदस्यों को देखिए, जो उनके घर में परिवार हो, माता पिता भाई बहन जो भी उनके परिवार में सदस्य लोग हैं परमेश्वर, उनको आप आशीष दीजिए। तमाम प्रकार की बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम तो उनका नाम नहीं जानते, लेकिन पिता परमेश्वर आप सबको जानने वाले हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक दुख से तकलीफ से आप उनको आजाद करेंगे, तमाम प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर आज उन्हें आजाद करेंगे। वो उठेंगे और चलेंगे, दौड़ेंगे और भागेंगे, कूदेंगे पिता परमेश्वर, और तमाम प्रकार की निर्बलताएं से दूर हो जाएंगे पिता परमेश्वर, ज्योति उनके चेहरे पे चमकेगी, और तमाम प्रकार की जो दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है पिता आपके नाम से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और वो सर्व सदा के लिए दूर हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें पूरा दिन संभाल कर रखा और परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में और पूरा दिन हमें संभाल कर रखेंगे प्रभु। हम आपके चरणों में आकर के आपसे विनती और निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे हर एक दुख को तकलीफ को आप देखते हैं पिता परमेश्वर, उनको अच्छी आंखों की दृष्टि मिले पिता परमेश्वर, अच्छा सुनने लगे बोले पिता परमेश्वर, उनको तमाम बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, विवेक दीजिए पिता परमेश्वर, सहनशील शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर कि आपके वचन को सुने, प्रार्थना करें, निवेदन करें पिता परमेश्वर, उनकी जो इच्छाएं हैं पिता परमेश्वर पूरी होने पाए आपके वचनों के द्वारा, आपके द्वारा पिता परमेश्वर, उनकी जो भी
एग्जाम है पिता परमेश्वर, किसी प्रकार के घर में प्रॉब्लम है एग्जाम है पिता परमेश्वर, किसी का है टेंशन है, अनेकों प्रकार की टेंशन है पिता परमेश्वर, लोगों को आप उनको दूर कीजिए परमेश्वर। हम आपसे निवेदन और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, आप उनको सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। आपसे निवेदन और प्रार्थना और विनती करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों को आप सुरक्षित रखते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद, सारी महिमा और सारा आदर आपको केवल हम परमेश्वर देते हैं, आपको ही मिले परमेश्वर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, कि आज उन्हें आप संभाल कर रखेंगे परमेश्वर। आमीन।